मेरे भाइयों बहनों, 25 सितंबर 2020 का दिन भारत के इतिहास में सामाजिक, धार्मिक व भविष्य के राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है, क्योंकि इस दिन 350 साल की गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए हिंदुओं की तरफ से श्री कृष्ण जन्मभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए एक याचिका दाखिल की गई है। और उस याचिका में मांग की गई है कि औरंगजेब ने जो काली करतूत की थी, जो तथाकथित मस्जिद का निर्माण कराया था, एक मंदिर को तोड़कर इस घृणित कार्य की को समाप्त किया जाए और हिंदुओं को उनका अधिकार पुनः वापस दिलाया जाए। वास्तव में केस ऐसा है कि इसके तथ्य ऐसे हैं कि जब आप सुनेंगे तो आप पाएंगे कि पूरे के पूरे मामले में आज तक हिंदुओं को अंधकार में रखा गया। और ये केस इतना मजबूत है कि हिंदुओं का हक उनको भगवान ने चाहा तो मिलकर ही जाएगा। जब 1670 में औरंगजेब ने वहाँ पर जो राजा बुंदेला ने आखिरी बार जो मंदिर बनवाया था उसको तोड़कर एक तथाकथित निर्माण कराया था, जिसको उसने कहा कि ये शाहीदगाह मस्जिद है, वो मस्जिद नहीं हो सकती थी क्योंकि वहाँ पर पहले से मंदिर थी, एडमिटेड फैक्ट है, और वो फरमान मैंने लगाया हुआ है और फरमान में लिखा हुआ है, बल्कि यहाँ तक लिखा है कि यहाँ से मूर्ति उठा कर ले जाई गई और ऐसी जगह रख दी गई, लोग उसको कुचलते हुए मुसलमान लोग नमाज़ पढ़ने जाएँ। इन सबसे हिंदुओं की भावना आ चुकी है, हिंदुओं में एक विक्षोभ है और वो विक्षोभ इतना ज़्यादा है कि आज 350 साल से लोग कलत रहे थे कि कैसे हमको ये जगह वापस मिले। इसके बाद 1770 में मराठा है, मराठाओं ने इस जगह पर मुसलमानों को पूरे मथुरा से हटा दिया, भगा दिया और इस जगह पर पुनः मंदिर का निर्माण हो गया और मस्जिद समाप्त हो गई। 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, उन्होंने मराठाओं से कब्जा ले लिया और पूरी ज़मीन को नजूल डिक्लेयर किया गया था और वो चलती रही। 1815 में अंग्रेज़ों ने ये ज़मीन पब्लिक ऑक्शन में सेल कर दी और बनारस के राजा, तत्कालीन राजा पटनीमल साहब ने वो ज़मीन खरीद ली, जिसको कहते हैं कटरा केशव दे की 13.37 एकड़ ज़मीन राजा पटनीमल ने खरीदा था। इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इसको कोई डिस्प्यूट नहीं है। कई मुकदमे चले उसके बाद, मुसलमानों ने चैलेंज किया कि हमको मिलनी चाहिए, उन्होंने गलत मिल गई, सब उनके केस खारिज हुए और सारे रेवेन्यू रिकॉर्ड में और हर जगह हिंदू राजा पटनीमल का नाम चढ़ गया। और राजा पटनीमल साहब का ये था कि यहाँ पर हम मंदिर, भव्य मंदिर बनाएंगे। किसी वजह से नहीं बन पाया, पर एक मंदिर था वो चलता रहा। और 1920 में फिर एक मुकदमा मुसलमानों ने दाखिल किया, जो जिसको हम कहते पहला सिविल सूट था। उसमें कोर्ट ने जाकर खुद मौका माना किया और कहा कि ये 100 साल से तो आप कब्जे में ही नहीं हैं और आपका कब्जा ही नहीं जगह पर, और कहा पूरी जगह हिंदुओं ने खरीदी और हिंदुओं की रहेगी। और उन्होंने तथ्य दिए कि सब जगह पर रेवेन्यू रिकॉर्ड में जब 1815 में राजा पटनीमल ने खरीदा था तो उनका कब्जा हो गया था, उनका नाम आ गया था। फिर इसके बाद 1928 में मुकदमा दाखिल हुआ, उसमें 1935 में हाईकोर्ट ने सेकेंड अपील में फैसला किया और कहा कि ये जगह राजा पटनीमल ने जो खरीदी थी ये उनकी जगह है, और एक जगह का रास्ता था कि वो जगह जो है मस्जिद से जाने का है, और इस तरह से डिक्री को थोड़ा सा अमेंड करते हुए सारा हिंदुओं का कब्जा माना गया और हिंदुओं की मलकियत मानी गई। इसके बाद 8 फरवरी 1944 को जुगल किशोर बिरला जी ने ये पूरी जगह राजा पटनीमल के जो उनके वारिस थे उनसे खरीद लिया, और इसके बाद यहाँ पर ट्रस्ट बनाने की घोषणा की गई। मदन मोहन मालवीय जी, जो बहुत ही सम्मानित हिंदुओं के नेता थे, उनको अग्रणी किया गया और कहा कि यहाँ ट्रस्ट के जरिए आप भव्य मंदिर का निर्माण कराइए। ट्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ कि यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। जैसा कि हमेशा होता है कि हिंदुओं में कुछ लोग निकल आते हैं जो हिंदू होकर हिंदू की जड़ खोदते हैं, वो यहाँ भी हुआ। और 1958 में एक संस्था बन गई, सोसाइटी, और सोसाइटी का नाम था श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ। उस सेवा संघ में कुछ लोग ट्रस्ट के भी थे और कुछ ट्रस्ट के अलावा भी थे, और धीरे धीरे इस सोसाइटी ने यानी संघ ने पूरे ज़मीन पर या पूरे जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन था
उस पर कब्जा कर लिया। 1964 में इसी संघ ने एक मुकदमा दाखिल किया कि वह घोसली वगैरह उनके जो छप्पर पड़े हुए हैं उस जगह से हटा दिए जाए। 1968 में इसी संघ ने मुसलमानों से मिलकर समझौता कर लिया और समझौता करके एक बहुत बड़ा हिस्सा जो मंदिर का था वो मुसलमानों को दे दिया। इसके बाद जो आज आप मस्जिद देख रहे हैं वो मस्जिद उसके बाद निर्माण। इसके बाद 1993 में एक मुकदमा चला जिसमें ट्रस्ट के ऊपर था, वो कोई विदिन हिंदू था, उसका मुसलमानों से कोई मतलब नहीं है, तो कोरोना का आपने चूँकि ट्रस्ट के लोग पार्टी नहीं बनाए तो मुकदमा खारिज हो गया। कुल मिलाकर जो लोग कह रहे हैं, आज मैं सुन रहा था कि साहब 1991 का के मामला है और 1991 जो एक्ट है उसके तहत जो 15 अगस्त की बहाल रहेगी तो उसका इसके से क्या मतलब है। यहाँ तो सीधा सीधा मामला है कि 1968 में जो समझौता हुआ था वो समझौता नल एंड वाइट है। तो पहली प्रेयर हमारी यही है कि समझौता नल एंड वाइट डिक्लेयर किया जाए। ये फ्रॉड था और उन लोगों ने दावा दायर किया और उन लोगों ने समझौता किया जिसका इस ज़मीन से कोई मतलब नहीं था। इसके बाद जब मामला सब ये हुआ केस दाखिल हो गया है, अब केस में आगे कार्रवाई होगी और हम लोग सारा का सारा केस, सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं जिसमें कि मलकियत, कब्जा और सब कुछ हमारे पक्ष में है और जो 1968 में जो समझौता हुआ था वो तो पूर्ण रूप से संवैधानिक है, फ्रॉड है और उसको वो रद्द होने लायक है। और वो रद्द होने का मतलब हुआ कि पूरी ज़मीन पर हिंदुओं का कब्जा हो। आप लोग इसको ध्यान से पूरे केस के तथ्यों को देखें और जो लोग बकार है बेकार की बात कर रहे हैं उसमें ना आइए। जय हिंद, जय श्री कृष्ण। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम लोगों का नारा होगा अब हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा।